क्या आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो जाता है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक रुपया भी नहीं देगी। ठंड बहुत हो रही है इसलिए मैं क्विक वीडियो बनाने आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो इस ठंड में आज हम बात करेंगे इंजन प्रोटेक्शन कवर के बारे में, जो एक एड ऑन है इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के ऊपर आप लेते हैं जीरो डेप इंश्योरेंस, और भी एड ऑन्स होते हैं जीरो डेप के अलावा, जिसमें से एक होता है इंजन प्रोटेक्शन। अब बात कर लेते हैं क्या ये लेना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको लाखों रुपए बचा सकता है। अब आप पूछोगे क्या क्या कवर होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका इंजन और आपका गियर बॉक्स कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। ये सवाल भी लाजमी है कि कौन कौन सी कंडीशंस में करती है और कौन सी कंडीशन में नहीं करती। अगर मैं नहीं लूंगा इंश्योरेंस तो क्या होगा? तो सपोजिटली आपके शहर में बाढ़ आ गई और आपकी गाड़ी जो है वो उस बाढ़ के पानी में डूब गई या इंजन के अंदर पानी चला गया, जिसकी वजह से इंजन सीज हो गया, इंजन खराब हो गया, गियर बॉक्स में दिक्कत आ गई, तो आपको एक रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव गाड़ी का, अपने एक्सीडेंटल जीरो डेप डैमेज का, जीरो डेप्रिसिएशन का, लेकिन आपने इंजन का कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया है। इसके अलावा जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाय चांस आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल लीक हो जाए, जिसकी वजह से आपका गियर बॉक्स या फिर इंजन खराब हो जाए, उस केस में भी आपकी गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स के कोई पैसे नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर किस क्यों क्योंकि वो कहेंगे भाई साहब आपका इंजन ऑयल लीक हुआ था, आपको पता होना चाहिए था, आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपने उसको इंजन ऑयल को लीक होने के बाद भी गाड़ी चला दी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, और जो भी इंजन कवर नहीं था तो हम तो नहीं दे रहे पैसे, क्योंकि उनको तो भाई साहब बहाना चाहिए पैसे ना देने का, उनके लाखों रुपए खर्च हो रहे भाई साहब। तो बात आती है कि इंजन प्रोटेक्शन कवर मैंने ले लिया, तो अब मेरी गाड़ी में क्या क्या कवर होगा? तो आपकी गाड़ी का जो कॉम्प्रिहेंसिव जीरो डेप है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसके साथ साथ इंजन प्रोटेक्शन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन भी जुड़ जाएगा आपकी गाड़ी के साथ, जिसमें अगर बाय चांस कोई बाढ़ आती है या कोई ऐसे वाटर लॉगिंग की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो सीज हो जाता है तो उसके अंदर वो कवर होता है। इसके अलावा बाय चांस कोई इंजन लीक हो जाए, इंजन ऑयल लीक हो जाए, इंजन कैसे लीक हो सकता है, कुछ भी हो रहा है, इंजन ऑयल लीक हो जाए या गियर बॉक्स का गियर ऑयल लीक हो जाए, उस केस में भी आपकी गाड़ी का इंजन और जो गियर बॉक्स है उसको रिपेयर किया जाएगा या फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा अगर वो पूरा ही डैमेज हो चुका होगा। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है और मस्ट हैव चीज है उन इलाकों में जहां पे बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि आ चुकी है तो वो कभी भी आगे भी आ सकती है, तो जहां बारिशों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियों के फ्रंट तक डूब जाते हैं, वहां के लिए सभी गाड़ियों के ओनर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये एड ऑन ले ले। अब आप कहोगे तो बड़ी खूबसूरत चीज है भाई साहब, हम भी ले लेते हैं, हमारी गाड़ी का इंजन खराब होने वाला है तो हम क्लेम कर लेंगे इंजन वंजन। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं उन कुछ पॉइंट्स के बारे में जिस केस में ये इंजन प्रोटेक्शन कवर जो है वो काम नहीं करेगा। पहली चीज, अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो एज होके खराब हुआ है तो इंजन प्रोटेक्शन जो है वो इस पे काम नहीं करेगा। अगर आपके इलाके में कोई पानी भरने की या फिर कोई ऐसी बाढ़ वाली स्थिति नहीं है और उसके बावजूद आप दिखा रहे हो कि आपकी गाड़ी के अंदर पानी घुस गया, तो भाई साहब बहुत वैलिड रीजन और उसके साथ साथ आपको सबूत देने पड़ेंगे, तभी आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर मिलेगा। यानी कि धांधलेबाजी नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते कि भाई साहब मेरा इंजन पुराना हो गया तो नया डाल दो, मैंने तो इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया है, क्योंकि ये मेनली वाटर लॉगिंग की वजह से होने वाले नुकसान को कवर करता है और जो इंजन में लीकेज की वजह से। इसलिए अगर आप कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर पाए कि इसके अंदर पानी गया है किसी भी तरीके से या फिर इसका इंजन ऑयल लीक हुआ है तो आपको ये कवर नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ इंजन इसके अंदर कवर हो जाएगा पूरा पूरा इंजन, वो भाई साहब बदल देंगे आपके लिए, लेकिन जो उसके अंदर का इंजन ऑयल होता है वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे, वो तभी कवर होंगे जब आपने एक और एड ऑन इसके साथ लिया होगा जिसको कहते हैं कंज्यूमेबल, जिसमें जो भी कंज्यूमेबल गाड़ी के अंदर डलता है वो भी इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। फिर से बता दूं, कोई भी डैमेज अगर होता है इंजन ऑयल लीक होने की वजह से, गियर ऑयल लीक होने की वजह से, या फिर गाड़ी के अंदर वाटर लॉगिंग होने की वजह से, गाड़ी के अंदर पानी जाने की वजह से, ये तीन चीजें तो कवर होती हैं भाई साहब, इसके अलावा और कुछ भी कवर नहीं होगा। तो ये सोच के जरूर लेना कि भाई साहब ये तीन कंडीशंस जो हैं इसी में ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पे गाड़ी चला दोगे और भाई साहब कोई आपके इंजन पार्ट निकाल के ले जाएगा तो आप कहोगे भाई साहब इंजन पार्ट कोई निकाल के ले गया, कुछ भी हो गया, ऐसा उल्टी सीधी चीज नहीं। ये सिर्फ तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें इंजन प्रोटेक्शन कवर
कवर करता है। अब आप कहोगे भाई साहब ये तो अमीर लोगों के लिए आपने वीडियो बना ली कि जो लोग अपनी गाड़ी के लिए इंजन प्रोटेक्शन कवर ले सकते हैं वो लोग क्या करें, हम लोग क्या करें जो लोग नहीं लेते इंजन प्रोटेक्शन कवर, और खुदा ना खास्ता कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो देखिए अगर वाटर लॉगिंग की आप बात करते हैं तो कहीं पे भी अगर ज्यादा पानी भरा होता है तो आपको अपनी गाड़ी वहां नहीं लगानी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए वहां से, जैसे टशनबाजी में लौंडे लोग करते हैं भाई साहब, भरी हुई जो पानी भरा हुआ होता है उन जगहों पर ले जाते हैं, अरे मेरी गाड़ी खींच देगी भाई, मैंने सेडान से खींच दिया ये वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर आपकी गाड़ी बंद हो गई तो भाई साहब पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। और भाई साहब ये अनाड़ी जितने लोग होते हैं ना, क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस लोग तो लेके नहीं जाते हैं, अनाड़ी लोग होते हैं वो गाड़ी फंसा देते हैं जिसकी वजह से उनका इंजन डैमेज हो जाता है, तो ये तो नहीं करना है। अगर आपकी खड़ी गाड़ी के आसपास पानी भर गया है जो कि इंजन लेवल तक आ गया है तो आपको 4-5-6 दिन 10 दिन जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, और गाड़ी स्टार्ट करनी भी है तो भी आप मैकेनिक को बुला के लाएंगे, वो गाड़ी की कंडीशन देखेगा उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गाड़ी चलाते वक्त कोई भी अगर आपको गाड़ी के नीचे से आवाज़ आती है, कोई पत्थर लगने की या गाड़ी नीचे लगने की, तो आपको गाड़ी रोक के देखना है कि कहीं उस डैमेज से या उस इम्पैक्ट से आपकी गाड़ी का चेंबर तो नहीं फट गया। चेंबर इंजन के नीचे का पार्ट होता है जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है, तो अगर कोई चीज़ उससे लग जाती है तो चेंबर फट जाता है जिसकी वजह से ऑयल लीक हो जाता है, और अगर आप गाड़ी चलाते रहोगे तो आपका इंजन खत्म हो जाएगा यानी कि सीज हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी इम्पैक्ट की आवाज़ आपको आती है तो फौरन आपको गाड़ी रोक के देखना है कि ऐसा कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल या गियर ऑयल लीक नहीं होता है इतनी जल्दी, लेकिन इंजन ऑयल लीक हो जाता है तो वो आपको जरूर चेक कर लेना है। तो यही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। बढ़िया बढ़िया खेत खूत नजारे नजूरी देखो, हम तो ठंड में कांपते हुए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसलिए एक सब्सक्राइब ठोकते जाना, लाइक ठोकते जाना, कमेंट कर देना अगली वीडियो किस पे चाहिए, और ऐसा बाल बाल बिखरे से लग रहे हो तो थोड़ी सी माफी, और इसी के साथ साथ सी यू इन द नेक्स्ट वन।